ये लो भाई, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नंबर प्लेट खुल गई एक साइड की। जो सोचो वही होता है, जब जब जल्दबाजी करने की सोचो तो कोई ना। अरे भैया इसका वो लगा दो जरा पेच इसमें। भैया साइड वाला थोड़ा टाइट कर देना ये वाला, ठीक है। ओ भाव स्केटर ब्रो, सुपर ब्रो, कहाँ से? शाहजहांपुर से यार भाई, थैंक यू। अभी चेकिंग भी चल रही, देखो ये होता है भाई। देखो भाई के पास में ना तो हेलमेट है ना तो कोई डॉक्यूमेंट है। अब इनका इशू है, अभी या तो 1,500 रुपये का जुर्माना जाएगा। तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं गाइस। तो आज मॉर्निंग का टाइम है, मैं बता दूं कि अभी 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भाई कि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ, तो जिसकी वजह से भाई मैं वीडियो को प्रॉपर शूट नहीं कर पाया था। तो भाई आज चलने वाले हैं अपनी थोड़ी सी लॉन्ग राइड की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या आगे का सीन होने वाला है। तो गाइस मैं बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके जरूर बताएगी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो गाइस चलते हैं और मैं बता दूं कि आज भाई मैं जो अपनी बाइक मेरी थी ड्यूक वाली, उसके टायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से भाई मुझे वो छोड़ देनी पड़ी थी। और आज मुझे मम्मा को लेके जाना था हॉस्पिटल में, वहाँ पे मम्मा को दवाई दिलानी है, उसके बाद में उधर से देखते हैं फिर आते हैं घूम के, क्योंकि भाई टाइम जो है ना फिर थोड़ा लेट हो जाएगा तो नहीं बनेगा, तो इसलिए भी थोड़ा थोड़ा आगे ही निकलेंगे और फिर देखते हैं कि भाई सीन क्या होने वाला। तो भाई आज मेरे पास में मेरी बाइक है टीवीएस स्टार सिटी 110 cc की बाइक है, बट मैं बात करूँ तो भाई अच्छी खासी जो है। अंधे बन के चलाते हैं भाई, अभी भाई लोकल का ये मैटर बहुत ज़्यादा बुरा है कि भाई सिंगल ट्रैक है, तो जिसकी वजह से भाई ना दिक्कत ज़्यादा कुछ हो जाती है। तो इस रोड पे यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, तो यहाँ से फ़िलहाल तो निकल ही चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। यहाँ पे देखो सिंगल ट्रैक पे जाम मिलता है, अब आप मान के चलो कि आगे जब डबल ट्रैक पे होंगे तब क्या होगा भाई, क्योंकि दिक्कत तो वही रहेगी ना। और रोड का सिंगल प्रोसेसर है तो भाई सिंगल में ट्रेसिंग तो कर ही नहीं पाओगे ना, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ से निकलेंगे भाई, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अभी क्या हो गया इसमें ये देखना पड़ेगा। उतरो, ये लो भाई, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नंबर प्लेट खुल गई एक साइड की। जो सोचो वही होता है, जब जब जल्दबाजी करने की सोचो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना खड़ी हो जाती है और जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अभी एक साइड निकल गई, एक साइड का पता नहीं कब निकलेगी, क्या होगा ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अभी रोड क्लियर है और तो कोई ऐसा इशू है नहीं भाई, बस थोड़ा सा नंबर प्लेट है ना दिक्कत कर रही, तो अभी इसको चल के पहले हम तो सही कर पाते हैं, इसके अंदर कोई नट वगैरह लगवा के ना इसको टाइट करवा देते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है जिसकी वजह से ना माइंड थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्सन ले रहा है भाई। एक तो मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए ना बहुत दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि भाई इसमें ना तो स्पीड में बाइक चला सकते हो आप, क्योंकि अगर स्पीड में लेके जाओगे भाई तो कोई ना कोई है ना ठोंक ही देगा या फिर ठोंक दोगे, क्योंकि भाई मुझे पता है, क्योंकि यार थोड़ा सा लोकल का एरिया है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा लोग ना हॉर्न वगैरह देखो भाई है, ये होता है इशू। अभी आ चुके हैं मेन हाईवे पे और इधर से चल के फिर ओवर साइड में आगे ओवर क्रॉसिंग करके फिर जो मेन हमारा ब्रिज क्रॉस करना है, लेकिन ब्रिज के नीचे से ही हम लोग साइड से निकल गए थे, अभी साइड में चल के फिर देखते हैं कि रोड को क्या कंडीशन है भाई। और बाइक को मम्मा बैठी है पीछे तो मम्मा की वजह से ना थोड़ा स्पीड में बाइक को नहीं ले जा सकता। ये वाली बाइक ना देख लो आप, 80 को लगभग टच कर रही है, अभी मैं नॉर्मल स्पीड में, मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मल है ये, क्योंकि ये बाइक जो ना 100 को टच करती है, बिल्कुल 100 पर जाके ना मीटर इसका ना रुक जाता है, इसके आगे ना मीटर बिल्कुल भी 1% भी नहीं बढ़ता है भाई। और
भाई 100 cc बाइक है, 110 cc की भाई 100 तक टच कर जाती है, इतना बहुत है भाई। क्योंकि नॉर्मल बाइक है, और कोई बाइक है जैसे स्पेशल बंदा बाइक भाई 90-95 बस इतना ही टच कर पाती है, इससे ओवर नहीं कर पाती है भाई। यहाँ से आप लोग की दूरी लगभग मान के चलो आप 45-50 के लमसम में होगी भाई, कभी टेस्ट नहीं किया था बट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा भाई। और यहाँ पे आप मान के चलो अगर हिसाब से बाइक चलाओ तो आप 1 घंटे से पहले ना पहुँच जाओगे, और अगर मेरी वो वाली बाइक होती तो मैं मान के चलूँ कि 30 मिनट का टाइम बहुत लगता है, तो 30 मिनट का टाइम लगेगा मैं शाहजहाँपुर पहुँच जाऊँगा। और कभी ट्रायल भी नहीं लिया था भाई कि कितना स्पीड में बाइक लेके जाऊँगा तो कितना किलोमीटर क्रॉस कर देगी, बट इतना कंफर्म कि भाई आधे घंटे के अंदर ना बाइक मेरी पहुँच जाएगी। और इस वाली बाइक की रहेगी बात तो भाई मम्मा है तो मम्मा के चक्कर में भाई मुझे आराम आराम से बाइक को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा को ना रॉयल खंड हॉस्पिटल में और वहाँ से उनको दवाई दिलानी है, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। एंड उससे पहले बता दूँ कि भाई ये जो ब्रिज है भाई बहुत ज़्यादा चौड़ाई में, भाई इस पर मैंने एक बार वीडियो किया था भाई गजब का वीडियो आया था, और आप लोग देख ही सकते हो भाई मौसम कितना प्यारा हो रहा है, और मॉर्निंग के अभी 10 बजे हैं तो इस हिसाब से भाई एक नंबर जाना, बैकग्राउंड भी आ रहा है और वीडियो क्वालिटी जो है भाई बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि भाई रोड की चौड़ाई की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। अभी लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था भी देख ले हो आप लोग यार, पूरी तैयारी चल रही है अभी, क्योंकि भाई रोड के किनारे यहाँ पे लाइट लग जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी भाई मम्मी को कर दिया ड्रॉप, माताजी दवाई लेंगी तब तक, और तब तक भाई इधर से मैं होके शाहजहाँपुर से और घूम भी आऊँगा, क्योंकि भाई टाइम तो वहाँ पर लगना ही नहीं है, बस भाई जाना है और थोड़ा सा फ्रेश करना है, उसके बाद में घूम के आ जाना। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आज रोड की क्या कंडीशन है, और भाई ओ भाई डाइवर्सन है तो भाई ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इशू है। अभी आने वाला है बहुत ज़्यादा इन्जॉय, क्योंकि भाई आज 100 cc बाइक से मोटर ब्लॉगिंग हो रही है, और मुझे भी भाई बहुत हल्की लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई क्या बोलते हैं विक्की वगैरह होती है स्कूटी वो चला रहा हूँ, क्योंकि भाई अपनी ड्यूक है तो वो तो आपको पता है भाई काफ़ी ज़्यादा वेट है उसके अंदर, और इसके अंदर वेट तो है ही नहीं भाई, तो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल फूल पे फूल जैसे नहीं होता है उस टाइप से इसका वेट लग रहा है मुझे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई ट्रायल लेता जाऊँगा भाई कौन सी बाइक जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वैसे ड्यूक की तो कोई बात ही नहीं है भाई। कहाँ लेके घूम रहे ताऊ, बीच रोड पे लेके घूम रहे हो भाई, उल्टी साइड में लेके चले जाए फिर बाद में ऐसे मुंह करके खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। निकलो निकलो निकलो, लोगों को कहाँ तक समझाया जाए, और भाई कौन कौन समझाएगा उनको जब उनकी उम्र निकल चुकी है, उनको ये चीज़ नहीं पता है कि भाई अपनी साइड में बाइक जब लेके चलते तो भाई अपनी साइड को दबा के रखो ना, फिर रॉन्ग साइड जाने की क्या ज़रूरत है, मगर भाई नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से उनके लिए। अरे बीएस का वो लगा दो जरा पेच इसमें, भैया साइड वाला थोड़ा टाइट कर देना ये वाला, ठीक है अंकल, हॉर्न ना लगता है ना ट्रक वाला लगवाना पड़ेगा मुझे भाई, ये वाला हॉर्न ना सुनाई नहीं देते ज़्यादा। तो ये जो सिटी है ना यहाँ पे भाई बहुत अच्छी लगती है, अभी अंदर तो चलेंगे चलेंगे, और यहाँ के साइड में मैं बता दूँ भाई आगे हमारा जो शाहजहाँपुर का कॉलेज है माना हुआ भाई, तो वो SS कॉलेज है और एक हमारा GF कॉलेज है, तो जो SS कॉलेज भाई और GF कॉलेज दोनों कॉलेज में भाई NCC अवेलेबल है, और सही है भाई स्कूल के मतलब देखा जाए तो दोनों कॉलेज जो है टॉप पे हैं भाई, क्योंकि और कोई डिग्री कॉलेज इतना हाई फाई नहीं है जो यहाँ पे सारे
सुविधाएं जो है दे पाए। तो यहाँ पे ये जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी आ चुके हैं गर्रा नदी के पुल पे भाई, इधर से चल के फिर आगे देखते हैं भाई सिटी का माहौल थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं भाई सिटी को भी नहीं गए। देखते हैं भाई कैसा लगता है सिटी के अंदर, क्योंकि भाई जब भी आना होता है तो बाहर ही आना होता है, वैसे तो इधर उधर कहीं जाना ही नहीं होता है। भाई इतना ज़्यादा चेंज हो गया, मुझे तो अनुमान नहीं था भाई कि इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो भाई अपने को चलना लेफ्ट साइड में, तो इधर से चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ओ भाई स्केटर ब्रो, सुपर ब्रो, कहाँ से? शाहजहांपुर से यार भाई, थैंक यू भाई। स्केटिंग करते हैं भाई अभी शायद मेरे हिसाब से भाई। ओ भाई भाई ये भी एक हुनर है भाई, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इस समय भाई हर जगह पर काम चल रहा है रोड पे, तो भाई दिक्कत आ रही है। अभी चेकिंग भी चल रही, देखो ये होता है भाई। देखो भाई के पास में ना तो हेलमेट है ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, अब इनका इशू है। अभी या तो 1500 रुपये का जुर्माना जाएगा, ठीक है, या फिर चालान भरा जाएगा भाई। और हेलमेट नहीं है तो भाई हेलमेट में आप मान के चलो कि भाई कम से कम 1500 रुपये का तो हेलमेट का चालान है। और भाई डीएल का तो अगर काट दिया ना तो भाई समझ लो कि 2 लाइसेंस बन जाएंगे। तो भाई अभी पार्किंग में गाड़ी को इधर लगाया था, थोड़ा काम था, उसके बाद में अभी इधर से चल के हो गया भाई। निकल गई भाई, तो भाई पार्किंग हो गई, अभी इधर से चल के फिर देखते हैं भाई किस रूट पे चलना है। ट्रैफिक में ना पंगा ही पंगा है भाई। एक तो इंटरसिटी जब निकलो भाई तो दिक्कत ज़्यादा होती है, वैसे तो कोई बात नहीं है। आ चुके हैं फिर से भाई उसी चौक पे, तो शायद सिग्नल वगैरह जो है हर जगह पे ना अभी प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो सिग्नल का इतना इशू नहीं होता है भाई, कैमरे वगैरह बहुत लगाए हैं। आप लोग देखते हो ना कि मैं चालान कट जाता है, तो भाई वो चालान ऐसे ही कटता है। तो ये गर्रा नदी की यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले, मैं इधर से आया था। तो भाई अभी क्या है, अपना काम जो था वो सारा कंप्लीट हो ही चुका था, तो उसके बाद में अभी इधर से चलेंगे। ये भाई अभी देख क्या है ना, इधर ये थोड़ा सा ट्रैक थोड़ा खाली मिलता है, तो भाई इधर क्या है ना स्पीड खींचने का जितना भी मिलता है उतना खींचने का स्पीड बढ़िया स्पीड मिल जाता है भाई। तो 100 cc की बाइक है यार, 100 को तो टच नॉर्मल कर ही जाती है भाई। ये बरेली मोड़ की चौकी है भाई। तो भाई अभी इधर से निकलेंगे भाई, जो भी अपना पूरा प्रोसेस था वो भाई मैंने आपको वीडियो के अंदर का समझा दिया था। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है ना वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके भाई ज़रूर बताओ कि भाई आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।